बजे मीडिया वाले आएंगे और युवाओं की एक ही पुकार, अब की बार युवाओं की हीरो की सरकार। साथियों, तमाम मांगों को लेकर एक चीज मुझे बताओ, हमारे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, ये बाकियों की चर्चा आप लोग आपका प्रतिनिधि मंडल करेगा, वहां करेगा तो आप मुझे मजबूती से रखूंगा। लेकिन आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, सरकार कानून लेके आई और गैर जमानती कानून लेके आई, भाई भाई हमने मांग की, धरना स्थल यही था, अनशन किया, सरकार ने हमारी मांग मान ली। तो भाई दिवाकर पब्लिक स्कूल पर बुलडोजर क्यों नहीं चला, संपत्ति जब तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, फिर किस बात का कानून है, कानून की पालना नहीं हो पा रही, तो कैसे कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती बचेगी, कैसे फर्स्ट ग्रेड बचेगी, कैसे सेकंड ग्रेड बचेगी, कैसे एलटी से बचेगी, कैसे ग्राम सेवक बचेगी, आने वाले 1 लाख भर्ती कैसे बच पाएगी, चाहे रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन कैसे बच पाएगी। अरे माफिया माफ, अरे यार हमारी मांगे पूरी करो, मेरे 5 दिन धरने से यही बैठे। एक चीज का ध्यान रखना, चाहे मेरे आगे से हो चाहे पीछे से हो, जब मैं बोल रहा हूँ ना तो कोई व्यक्ति कर आगे नहीं बोलेगा अपनी बात। आपका ओबीसी वाला आंदोलन अलग है, ओबीसी वाला नहीं है, ये सारे बच्चों का वो अलग है। एक तो 12 बजे आपको अनुशासन से रखना कि लाइव होगा यहाँ से, और यहाँ से मीडिया के आने के बाद, लाइव होने के बाद हम सबको अनुशासन में शिवलिंग फाटक जाना है, और शिवलिंग फाटक तक हम लोग वहाँ जाएंगे, ऐसा नहीं है, सबको एक साथ अनुशासन हम लोगों को जाना है, अपनी बात मजबूती से रखनी है। हमारी प्रतिनिधि मंडल हमारा प्रतिनिधि मंडल 5 का 10 का नहीं है, चाहे 11 भर्तियों को लोगे, चाहे 15 भर्तियों को लोगे, चाहे 20 भर्तियों को लोगे, हर भर्ती का एक प्रतिनिधि जाएगा तो जाएगा। साथियों पानी के टैंक उधर खड़े हैं, ठीक है ना, और मुंह मुंह हम झेल सकते हैं, जीवन भर के मौके नहीं बनने की आदत, क्योंकि आप लोग नौकरी नहीं लगे, जीवन मौके भरोगे। साथियों चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पंचायती राज विभाग हो, और चाहे कोई सा ऊर्जा विभाग हो, कोई सा विभाग, अरे शिक्षा में आ गया मेरा भाई भी गए, तमाम मांगे हैं, अरे दस्तावेज सत्यापन से किया करता हूँ, जो अनुशासन बिगाड़ेगा ना उसके प्रतिनिधि मंडल को भी सबसे आखिरी बात करवाई जाएगी, और जो अनुशासन रहेगा टॉम में उसके लिए जी जान से हम ताके लगाएंगे। साथियों एक चीज बताना था मैं आप लोगों को, भैया ये स्टूडेंट बैठ जाएंगे, पीछे लड़कियां भी है, भैया बैठ जाइए, सभी लोगों से निवेदन है आप बैठ जाओ भैया, अरे ये बेरोजगार वाला मेला है, हर व्यक्ति का भोजन भी मिल जाएगा, जैसे मेले में दुकान होती है अलग अलग कि वो कपड़ों की है, वो फल फ्रूट की है, वो जूस की है, तो आप कहोगे ना बेरोजगार है, आज अपने माँ बाप के सपनों के लिए आए हैं, सारे बेरोजगार हैं। और एक चीज है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जब राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, जब उनके लोग फंस जाते हैं तो सारे मिलकर उनको बचा लेते हैं, लेकिन बेरोजगार के भविष्य कोई नहीं बचाता, तो बचा रहा है क्या भैया? लखनऊ समझे थे कि कई मांगे अधूरी है, कई 2013 की लंबी पड़तियां है, 12 की है, ये सारे हालात जो बने हैं, जो तमाम जो देखो इसमें जो लंबी तो नई भर्ती वाले हैं, लंबी भर्तियों के तो चल ठीक है, आपका पेपर लीक से साफ नहीं होगा, लेकिन नई भर्तियों पे कोई
बीच अरौली ना आ जाए, राम के पास ना आ जाए। तो ये कानून आए तो कानून की पालना होनी चाहिए साथियों। आपके जो है तमाम साथी है, तमाम और साथी है, सब लोगों को मिलाओ भाई। एक दिन में काला कोई नहीं होगा, कहा जाएगा तो शादी हो जाएगी, पति कभी नौके लग जाएगी। और एक चीज बताऊं, अरे बेरोजगार थे यार, एक बार नौके लगते तुम कहेगा वो शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझ रहा है। साथियों मैं बहनों से भी निवेदन करना चाहूंगा, तमाम युवा है, लड़कियां भी आए, देखो लड़कियां जो आंदोलन लाती है ना, मैं उसकी सैल्यूट करूंगा, क्योंकि हर कोई लड़कियों का आगे नहीं बैठता, जो यहाँ आता है तो समझ लो वो रानी लक्ष्मी बाई है। और जो आप चिंता मत करो, अभी चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद हो यार, फट जाएगा इसको बंद हो गए तो। एक चीज का ध्यान रखना आप लोग, आपसे मेरा निवेदन है, एक चीज का ध्यान रखना, मीडिया है तो ये चीज पीते वाले अपना टोपी वाले भाई, ओ भाई टोपी वाले बात मत कर यार, सुनना, एक चीज का ध्यान रखना, मीडिया वाले आए तो अपनी अपनी बत्ती का नारा मत लगाना, क्योंकि उनको लगे क्या रहता अपनी अपनी, अपने कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो, सरकार को जगाना है, हमारा अधिकार पाना है, तो फिर जो चीजें बातें करनी है ना, जहाँ जिनके सामने से काम करवाना है वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलना कि हमारा काम नहीं हो रहा, मैं साथ करा दूंगा, वहाँ बोलना है। और यह क्या है कि नारे लगाएगा, वो देश लगाएगा, वो देश लगाएगा, आपस में कोई सुनी नहीं पाएगा ना आपकी बात उठेगी, तुम्हारे ये चैनल ऊपर रहेंगे ना तो विजुअल में सबकी मांग उठ जाएगी, सबका चेहरा दिख जाएंगे, दिख जाएंगे, ये सारी चीजें दिख जाएंगी। देखो अनुशासन रहेगा, मैं वादा कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, आप अनुशासन रहोगे, आंदोलन को सही तरीके से सुनिए, जिस तरीके से चलाओगे तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा, पीछे नहीं दूंगा। अरे रुक जा, अभी बस आप जैसे मुझे देख रहे हो, मैं यहाँ 11 बजे पूछा था, रात को भी यहाँ आके गया था, तो लास्ट टाइम तक ऐसे ही बोलता या मिलूंगा, ऐसे ही आवाज उठाता मिलूंगा, ना झुकूंगा ना रुकूंगा ना हटूंगा, लड़ो अपने समय तक। मेरे साथ ही 3-4 और थे, तो सुबह एक तो मैं भगा के 3-4 किलोमीटर पैदल चला के लाया था, 10 किलोमीटर सुबह भी चला के लाया था, बोला भाई साहब खड़े रहोगे आराम से, आराम से जमाना गया भाई, आराम करेंगे तो अपनी मांगे नहीं होगी, इससे बढ़िया आराम आराम है। लेकिन यह ध्यान रखना, पाकिस्तान में यह भर्ती आई है, तभी ना आने वाले समय में सरकारी नौकरी और लोगों की हालत है, जो फतेह उत्तर प्रदेश की तस्वीरें पकड़ी तस्वीरें, मध्य प्रदेश में 2018 में 31,000 लोगों पर स्कूल जाके तो भर्ती आई थी, अभी रक्षाबंधन पर महिला गई थी, मामा बहना भी नौकरी, या राजस्थान में लड़ झगड़ के नौकरियां तो मिल रही है ना, पैसा छुड़ाना हो तो पर वापियों से। अम्मा पीछा छुड़ाना है, जो हमको गोली पे गोली कैप्सूल पे कैप्सूल दे रहे हैं, कोई बच्चा आना चाहिए ना, मारी है पेपर आना चाहिए, दिशा बोली है, डेढ़ हजार का बोली है, कंप्यूटर पर कितने 200 देते हैं, पुस्तकालय देश में बंद नहीं है, कंप्यूटर पर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, कृषि वाले बैठे हैं, अरे भाई सारे तमाम गर्लफ्रेंड में दम होगी, सेफ्टी के लिए नंबर वाले भी है, सारे लोग ¡Gracias!
रहा हूँ, और शाम को धरना खत्म करके चले जाते हैं। तो आज देखते कौन जाता, मैं तो नहीं जाऊंगा, आप ले गए तो भाई साहब कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। एक छोटे से सोशल मीडिया के मैसेज से भाई हमारे पास, मैंने किसी को फोन भी नहीं किया, हमने निमंत्रण दिया एक सोशल मीडिया से, हमारे लोग कितने जागरूक, कितने लोग उठे, ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, पीछे तो 2023 में रिलीज करेंगे। वो भाषण देते हैं कि भाई साहब पे कोई नहीं खो गया, भाई साहब वो 2013 से भर्ती पूरी नहीं हो पाई, भाई साहब विज्ञप्ति दिए बेचारे मेरे लक्ष्य आप क्या होगा। अरे भाई साहब तू कभी सड़क पे उतरा गया, भाषण देने में नंबर वन हो गया, लेटर लिख दिया, अपने आप को युवा नेता कहता है, अपने आप को युवा ही कैसे कहता है, भाई सड़क पे उतर ही तो हमारे साथ आगे बैठ अरे संघर्ष, लेकिन नहीं पोस्ट डालकर अपन कहते धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, किसी बात चीज का धन्यवाद। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, मैंने नेताओं को न जाति के नाम पर, न जाम के नाम पर पट्टे वाला बेरोजगार नहीं है, पट्टे वाला नहीं है। अब युवा की ताकत असली युवा दिखाएगा और ये युवा बदलाव लाएगा, देखो साथियों अनुशासन में हम जाएंगे, अनुशासन में मान लीजिए, अनुशासन में आंदोलन करते हैं तो अनुशासन में न पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर सकता है, न हमारे आंदोलन को कुचला जा सकता है। हमने परमिशन लिया, हमने परमिशन रैली की मांगी थी, रैली की नहीं थी, लेकिन जब बीजेपी कांग्रेस और नेता रैली निकाल सकते तो हम क्यों नहीं निकाल सकते बताओ भाई, वो रैली निकाले तो हम भी निकालेंगे भाई, हम लोग यहाँ बैठे ना रैली निकालेंगे तो संख्या दिखेगी, बहुत लोग बढ़ाएंगे भाई, हमारी ताकत दिखाने का हमारा अधिकार है भाई। हम तो चाहते हैं कि राजस्थान नकल और पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, अरे पेपर लीक राजस्थान चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, बताओ पेपर लीक माफिया भी मुक्त राजस्थान चाहिए ना, और लीक की जांच होगी तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े राजनेता जाएंगे पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, और ऐसा भी हो सकता है जांच हुई तो कोई मंत्री भी जा सकता है, क्योंकि रीट में जो हालात बने हैं, जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, जेएन डिग्री, लाइब्रेरियन, एसआई, अरे ऐसे पता नहीं मेरे राजस्थान को कौन सी नजर लग गई, पेपर माफ नहीं, हर भर्ती परीक्षा में कमाल हो रहा है, अवार्ड मिलना चाहिए अवार्ड, लेकिन अब यह चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे भैया। अभी 12 बजे बाद मैं भी उधर से आ रहा था तो शिवराज पाठक में भी 30-40 पुलिस के जवान थे, रास्ते में जवान थे, सुरक्षा पूरी अपनी जय की सुरक्षा है, जय सुरक्षा। और एक चीज ध्यान रखना, धन्यवाद, एक चीज और ध्यान रखना साथियों, यदि पुलिस प्रशासन को निर्देश देते हैं कि इनकी रोको, लाठीचार्ज करो, कुछ भी करो, लाठी खा लेना, किसी पुलिस का हाथ नहीं उठाना, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है, हम आपकी पीड़ा समझते हैं और मरते बनते हैं आपकी 3600 पे ग्रेड पदोन्नति और पुलिस की मांग उठाएंगे, मांग उठाएंगे, क्योंकि हम समझते हैं जब दंगा होता है, जब चुनाव होता है, जब विपक्ष ईद होता है, हम लोग खुशी से त्यौहार मनाते हैं, ये सुरक्षा करते हैं, और आग में ये रहते हैं, क्या इनको भी न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मुझे कई जगह मिलते हैं कि भाई साहब आप हमारा छाना बजे आवाज़ लोग मैंने कहा चाहता था आवाज़ उठाऊंगा।